हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये सेशन अगेन कंटिन्यूशन में है, जहां पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू सीबीबी के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे 2016 से। और यहां पर ऑलरेडी मैं दो वीडियो इससे पहले बना चुका हूं, तो फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पार्ट ए का क्वेश्चन सॉल्व किया है और सेकेंड वीडियो में मैंने पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम 100 to 110। तो आज का ये थर्ड वीडियो होगा और थर्ड वीडियो में हम लोग 111 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई सिंबल में भी आ रहा होगा इस वीडियो के ऊपर, तो वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन पर मूव कर जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग को मालूम है, सिर्फ मैं बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, केमिस्ट्री या फिजिक्स के नहीं। तो चलिए मूव कर जाते हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे अप टू सेकेंड वीडियो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली मेंटेन्ड बाय, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो मेनली होते हैं, देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी में आप लोगों को मालूम होगा सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लीनियर होते हैं ये। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इट कुड बी इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर, डिपेंडिंग ऑन अल्फा और बीटा कन्फर्मेशन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक या वीक इंट्रैक्शंस आते हैं। और क्वाटरनरी, आप जहाँ पर दो सब यूनिट्स आपस में इंट्रैक्ट, लाइक हीमोग्लोबिन। आयनिक, हाइड्रोफोबिक और वंडरवाल, अगर 3D के बारे में पूछता हूँ टर्सरी, तो आंसर ये होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे, वन मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू, तो ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं हम लोग। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को या तो सेंटीमॉर्गन में रिप्रेजेंट करते हैं या मैप यूनिट। तो वन मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 113। द एनिमल विच इज रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एंड कैन कॉम्पैक्ट वाटर करेंट आर कोल्ड, तो वैसे एनिमल जो लार्ज शेप हो और अपोजिट वाटर के फ्लो के अपोजिट मूव कर सकें, अगर वाटर का फ्लो इस तरफ है तो उसके अपोजिट मूव कर सकते हैं, तो वो बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन जिसमें फिशेस, शार्क, वेल, जो बहुत फास्ट स्विमर, अच्छे स्विमर होते हैं, ये सब आते हैं, तो आंसर होगा सी। प्लैंकटॉन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक डायटम्स, और वो फ्लोट करते हैं, जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन में वाटर करंट होगा उसी डायरेक्शन में वो भी फ्लो कर जाएंगे, उसके अपोजिट नहीं करते, आंसर होगा यहाँ पे सी। मूविंग टू 114 नंबर क्वेश्चन। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए हैज 3 × 10^6 किलो बेस पेयर, व्हाट इज द टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर इन ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 3 × 10^6 किलो बेस पेयर का मतलब है 3 × 10^6 × 10^3, तब ये बेस पेयर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो बेस पेयर में 1000 बेस पेयर होते हैं, तो यहाँ पर 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 × 10^9 बेस पेयर। ओके, ये हैप्लॉइड में होंगे। अब आपको मालूम है वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग जो था मॉडल, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इनमें एक टर्न में कितना था डिस्टेंस? टोटल 36 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते थे? 10। तो 10 36 एंगस्ट्रॉम में कितना न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कितना होंगे? 36 / 10, यानी 3.6। यानी हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3.6 एंगस्ट्रॉम। और 3.6 एंगस्ट्रॉम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10^-10 मीटर, ये लिख सकते हैं। तो अब सिंपल है कि एक बेस पेयर में 3.6 × 10^-10 मीटर डिस्टेंस, तो 3 × 10^9 बेस पेयर में कितना डिस्टेंस? ये वही आंसर होगा, बेस पेयर इंटू 3.6 × 10^-10 मीटर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? ये 9 से ये चला गया तो 10^-1 बचा, और 3.6 यानी 6 × 18, 3 × 9 = 10 × 10^-1, तो इसको अगर हटा दे तो 108 × 10^-2 होगा मीटर। लेकिन आंसर यहाँ क्या बोल रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो हम लोगों को मालूम है कि 1 मीटर में कितने होते हैं?
10^2 या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, इस मीटर को, तो हम लोग क्या करना होगा, 10^2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये 10^2 और 10^-2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर होगा 108 सेंटीमीटर, आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 102, ये होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इंट्रेंसिक फ्लोरोसेंस ऑफ द प्रोटीन इज G2। इंट्रेंसिक फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस हमेशा प्रोटीन का 280 पर आता है, और ये किसकी वजह से हो सकता है, ये होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, और इसमें कौन कौन से आते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनाइलएलानिन, तो आंसर होगा ए, एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम विच कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट विदाउट रिमूवल एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर आर क्लासिफाइड एज, तो दे आर डिफरेंट 6 सब क्लास आपने पढ़ा होगा, सिडोरिडक्टेज हैं, देन ट्रांसफरेज है, आइसोमरेज है, लाइजेज है, हाइड्रोलेज है एंड लाइगेज है, दीज आर द 6 सब क्लास ऑफ एंजाइम, लेकिन इनमें सबसे सबका अलग अलग फंक्शन और सब अलग अलग कंडीशन में काम करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो रिमूव कर सकता है ग्रुप को विदाउट एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो होगा लाइजेज। लाइजेज ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है बाय जस्ट एडिंग HNH, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गए, या यहाँ से अगर रिमूव कर दे 2H2 तो ये फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वाटर की जरूरत नहीं है, या वाटर रिलीज भी नहीं हो रहा है, या वाटर लग भी नहीं रहा है, तो इस तरह के, और विदाउट ATP ये काम करता है, सेम काम अगर ATP के साथ में करता हो तो ये एंजाइम हो जाता है लाइगेज, तो आंसर होगा यहाँ पर लाइजेज, बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड विल बी द साइट ऑफ एंजाइम मॉडिफिकेशन। देखिए एंजाइम के एक्टिव पॉकेट पर एक बहुत कॉमन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका होता है नाम है सेरीन। सेरीन के साइड चेन पे क्या है, OH, और OH अगर है तो वो क्या हो सकता है, फॉस्फोरिलेट, तो इसको फॉस्फोरिलेशन, डीफॉस्फोरिलेशन से क्या कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, कंट्रोल। तो जितने भी हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, चाहे वो सेरीन हो, चाहे वो थ्रियोनिन हो एंड टायरोसिन, ये 3 अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फोरिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पर तीनों में से सिर्फ एक ही दिया हुआ सेरीन, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेवरल स्टेप अकर इन ए रिएक्शन तो ओवरऑल रेट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये फाइनल प्रोडक्ट, और ये क्या है, इनिशियल सबस्ट्रेट, और ये फाइनल प्रोडक्ट, तो ये सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नंबर 1 है, रिएक्शन नंबर 2 है, रिएक्शन नंबर 3 और 4, फाइनली ए टू ई 4 डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है, या 4 डिफरेंट रिएक्शंस में हो रहे हैं। इस ए टू बी फर्स्ट वाले रिएक्शन को 1 किलो जूल लग रहा है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 1 किलो जूल लग रहा है। इस बी को टू सी में कन्वर्जन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लग रहा है कि अगेन 1 किलो जूल। सी से डी कन्वर्जन करने के लिए 2 किलो जूल लग रहा है, और 3 डी टू ई कन्वर्जन के लिए 1000 किलो जूल लग रहा है। तो रिएक्शन कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस प्रोसेस, ये सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब है वो स्टेप जो डिसाइड करता हो प्रोडक्ट को सब्सट्रेट कन्वर्ट करने में, यानी अगर मेरे पास में 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करो तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप नहीं होगा, इसके लिए कितना चाहिए, 1000 किलो जूल, तो ये रेट डिटरमाइनिंग हो गया, यही डिटरमाइन करेगा कि ए टू ई कितना फास्ट कन्वर्ट करेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा तो वो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, और रेट हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लोवेस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो स्लोएस्ट रिएक्शन का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई, क्योंकि इनएक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी आपको देने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, दिस हील इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जितना बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा, तो आंसर यहाँ पर बी होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो एंजाइम के साथ में ग्रुप होकर होलो एंजाइम बनाते हैं, यानी कंप्लीट एंजाइम, और ये एक्टिव होते हैं, तो ये इनएक्टिव एंजाइम है।
जब तक इस पे प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर नहीं बाइंड करेगा, तब तक ये होल एंजाइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर में क्या डिफरेंट है? कोफैक्टर एसोसिएट होते हैं एंजाइम से, लूजली एसोसिएटेड, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा एसोसिएट होते हैं कोवलेंट लिंकेज से, और कोवलेंट लिंकेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोफैक्टर में हमेशा एसोसिएट होते हैं वीक इंट्रैक्शन से, तो वो इजली डिसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन कोवलेंट को आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन में जो आयरन एसोसिएट है वो क्या है? प्रोस्थेटिक। यहाँ पर इन चारों में से प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? Fe D+, ये स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं। Na D+ नहीं है, Na D+ डिसोसिएट हो सकता है, लिपोइक एसिड भी और TPP भी डिसोसिएट हो सकते हैं। तो दीज आर कोफैक्टर। चलिए 120 क्वेश्चन नंबर, इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन द इंड्यूसर। ओके, लैक ऑपरन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लैक्टोज कैन एक्ट एज ए इंड्यूसर, वो रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर जाता है, और जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल ये रिप्रेसर है और ये इंड्यूसर है, ठीक है, लैक और ये रिप्रेसर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? इनएक्टिव, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। और इनएक्टिव जब कॉम्प्लेक्स होगा तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाते, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो प्रमोटर पे जो ऑलरेडी आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव कर जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर उसके बाद में आता है, तो क्लियर ट्रैक मिलेगा तो मूव कर जाएगा और mRNA की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, कंबाइंस विद रिप्रेसर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द प्रोमोटर। नहीं, प्रोमोटर पे बाइंड नहीं करता, ऑपरेटर पे बाइंड करता। तो कंबाइन विद रिप्रेसर एंड प्रिवेंट इट बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। आंसर बी इज करेक्ट। बाइंड टू द प्रोमोटर एंड प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, नहीं ये भी रॉन्ग है। बाइंड टू द रिप्रेसर एंड प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम इन बाइंडिंग टू द टीसर, ये भी रॉन्ग है। चलिए आगे मूव करते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कटिंग इज, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लांट। देखिए ये प्लांट का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने लीफ का एक पोर्शन को कट कर दिया, और इस लीफ के पोर्शन को कट करके आप इसको यूज कर रहे हैं फॉर टिश्यू कल्चरिंग। तो ये जब अलग हो गया इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। इसको अलग करके एक्सप्लांट, इसको अलग करके दूसरी जगह लगाया, तो इसका ऑप्शन होगा बी। प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेस इज इनहिबिटेड बाय, देखिए प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेस करता क्या है, इसको टॉपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, ये बेसिकली करता क्या है कि सुपर ट्विस्टिंग को रिलैक्स करता है, और इसके लिए क्या से रिलैक्स करते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके अपोजिट ओरिएंटेशन से फिर से ज्वाइन कर देंगे। इसमें एक इनहिबिटर अगर डाल दें तो वो डीएनए गायरेस को ब्लॉक कर देगा फंक्शन, जिससे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो बहुत अच्छा ड्रग होता है। तो वो कौन से होते हैं? वो ग्रुप होते हैं क्विनोलोन, इस तरह के ड्रग जिसमें आते हैं एग्जाम्पल सिप्राफ्लोक्सासिन और दूसरा नेलिडिक्सिक एसिड भी क्विनोलोन के ग्रुप का है, तो ये भी याद रखते। आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट। पीएच, एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच की बात कर रहे हैं। लो पीएच पे हमेशा लैक्टोबैसिलस ग्रो करते हैं। अब उसका सिंपल सा फंडा क्या है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया है, और फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, किससे? पायरेविक एसिड से। और लैक्टिक एसिड इट्सेल्फ क्या है? एसिड, यानी ये लो पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस 5' to 3' एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये होता है डीएनए पॉल में, ठीक है। डीएनए पॉल ऑलमोस्ट 107 किलो डाल्टन का बहुत बड़ा प्रोटीन है, और दो सब यूनिट का बना हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड। अगर यहाँ पर इसको प्रोटीएज से ट्रीट करते हैं तो ये एक अलग होगा लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। इस लार्जर सब यूनिट को, जिसका अराउंड 70 किलो डाल्टन साइज है, इसको बोलते हैं क्लेनो फ्रेगमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्लेनो फ्रेगमेंट और इस पॉलीमरेज, इसके पास कौन सी एक्टिविटी आ गई? 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इसके पास क्या रह गया स्मॉल वाले के पास में? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये नहीं चाहिए। यहाँ पर आंसर होगा आप डीएनए पॉलीमरेज।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम में पेनिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कार्निटिन। कार्निटिन इज बेसिकली द प्रोटीन विच इज लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट हेल्प इन बाईपासिंग, ये हेल्प कराता है कि ये बाहर के फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेस जो साइटोप्लाज्म में है वो कहाँ चले जाए, मैट्रिक्स में। तो ये किसकी वजह से होता है, कार्निटिन की वजह से। तो आंसर होगा बी। आज के वीडियो में बस इतने ही तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ पे कुछ पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई।